ये आराम से, बस कुछ करना नहीं है बस। तो दोस्तों मैं अभी भी कैनल पर आया हूँ और मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे ये धूप घास। ये मैं अब जब भी कैनल पर आया करूंगा ना अपने साथ में थोड़ी सी लाया करूंगा। लाया क्या करूंगा, यहाँ से तोड़ लिया करूंगा, बहुत सारी धूप घास है यहाँ पर। तो इससे होगा ये कि मैं जब भी अंदर जाया करूंगा ना और अंदर जाते ही पंछी को मैं ये खिलाया करूंगा तो उसको मेरी आदत हो जाएगी। उसको लगा करेगा कि जब भी अभिनव आएगा मुझे घास खिलाएगा, फिर वो मेरे आने पर बोलना चालू कर दिया करेगा। तो आज से इस चीज को हम शुरू करने वाले हैं। अंदर चलते हैं जल्दी से और पंछी को ये घास खिलाते हैं। ले पंछी, ले ले। देखो भाई, जैसे आज इसको मैंने घास खिलाई है ना, मैं रोज खिलाया करूंगा बस। तो सारे डॉग्स का मीट ठंडा हो चुका है, पापा जी कटोरे रख रहे हैं एक एक करके सारे डॉग्स के, मैं भी रख देता हूँ जल्दी जल्दी से। ये रहे। डीवन के रख दो, डीवन के। ले डीवन। तो यार बच्चों की काफी ज्यादा डिमांड आ रही है कि मतलब डिमांड नहीं, इनका मन कर रहा है कि घोड़े को बाहर ले आओ। मैं कल ही लेकर आया था, तुम थे नहीं यहाँ पर यार। कल तुम नहीं आए। लेकर आऊंगे उसको बाहर, लेकर आऊं यार। बच्चे काफी ज्यादा जिद कर रहे हैं। चलो देखते हैं अंदर पापा जी से गुजारिश करके, अगर कह देते हैं तो फिर लेकर आएंगे घोड़े को। पापा जी ना तो भैया ने गाय का नाम छोड़ रखा है, भैया झूमर ही रखेंगे इसका। अच्छा, तुझे पता लग गई थी झूमर नाम रखूंगा। हाँ। नाम कैसा है वैसे, झूमर? बढ़िया। तो यार फाइनली हम युवराज को लेकर आज भी बाहर आ गए हैं। कल भी आए थे लेकिन आज मैं इन बच्चों की वजह से लेकर आया उसको बाहर, वरना इसकी कंडीशन है नहीं ऐसी कि ये बाहर रोज घूमे। काट रहा है ना, चलो घुमाओ। यार हम शाम के टाइम युवराज को बाहर लेकर तो आ जाते हैं लेकिन इसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसको यार वो लग रही है, दांस लग रही है ना, देख देखो कितना ज्यादा परेशान है ये। वो एक कीड़े नहीं होते, वो काटते रहते हैं पता नहीं कहीं भी, इंसानों को भी काटते हैं, जानवरों को भी काटते हैं, जानवरों को थोड़ा ज्यादा काटते हैं। उसकी वजह से देखो यार ये घास भी अगर खाना चाह रहा है ना वो भी नहीं खा रहा, पूंछ इसकी हिलनी बंद ही नहीं हो रही, कभी लात चला रहा है ऐसे में। अगर इंसान इसके आसपास खड़ा हो और ये लात चलाए कीड़ा भगाने के लिए, थोड़ी देर में लग जाए हमें तो ऐसा लगेगा कि हाँ लात हमें इसने मार दी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई, ये उसे कीड़े को भगाने के लिए चलाता है अपनी लाते। देखो जितना ये बेचैन हो रहा है ना उस कीड़े की वजह से। ऐसे बैठेगा, कोई हल्का सा बताओ, हल्का कौन है तुम में से, आ जा जल्दी भाग के। तो आज एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा बिठाने की ट्राई करते हैं, थोड़ा इसको हैबिचुअल हो जाएगा ना फिर उस चीज का ये। चलो भाई एक काम कर, इसको पंजा पकड़ ले, लात रुक जाओ मैं पहले पकड़ दो इसको। ओए चल बाल पकड़, रुक जा रुक जा रुक जा। ए पैर पकड़, पैर, अरे पंजा, चलो ये आराम से, बस कुछ करना नहीं है बस आराम से। ओए युवराज काफी ज्यादा तंग हो रहा है, मैं इसको थोड़ी खुजली कर देता हूँ क्योंकि वो कीड़े बैठे होंगे ना इसके, उनसे थोड़ा इरिटेट हो रहा है, इसको आराम मिलेगा। यार थोड़ी थोड़ी रनिंग करानी इसको, बहुत जरूरी है वरना ये अकड़ जाएगा। चल 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 चले चल 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 चले चल युवराज, चलो चल 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 चल
तो यार काफी देर हो गई है इसको यहाँ पर घुमाते घुमाते, अब इसको सीधा लेकर चलते हैं हम कैनल पर। अरे युवराज कैनल पर चले, चलो कैनल पर लेकर चलते। तो दोस्तों कैनल के बाहर हम पहुंच गए हैं, इसको जल्दी से अंदर बंद करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों आज हमने पंछी को बाहर एक्सरसाइज इसलिए नहीं करवाई क्योंकि सुबह बारिश पड़ी थी ना, और उसकी वजह से देखो थोड़ी थोड़ी मिट्टी गीली हुई पड़ी है, कहीं कहीं काई भी है, तो आपको पता ही कि पंछी कितनी तेज भागता है एकदम से, तो कहीं वो गिर ना जाए इस डर की वजह से उसे आज हमने खोला नहीं है। लेकिन युवराज को आज हम बाहर घुमा के लिए ये शुक्र है। दोस्तों मुझे फिर से ऐसा लग रहा है कि मौसम बिगड़ने वाला है, इससे पहले ये बिगड़े मैं घर के लिए निकल लेता हूँ अपने सेटअप पर। दोस्तों रात इतनी जबरदस्त बारिश पड़ी है ना, जब मैं कल कैनल से आया था ना तो मैं सेटअप पर आकर थोड़ा सा काम करके नीचे चला गया था, और फिर रात इतनी तगड़ी बारिश पड़ी है, बारिश की वजह से सारे के सारे केजेस में पानी भर गया था। और फिर मैं रात आया, खरगोश तो चलो अच्छा हुआ कि इनके केज में ये वाला जो जाल रखा है ना, सारे खरगोश चढ़कर यहाँ बैठ गए थे और बाकी सारे केजेस में पानी तहर रहा। चलो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, कबूतर यहाँ पर बैठ गए थे, और बत्तखों के लिए तो पानी कुछ दिक्कत देता ही नहीं है, इन्हें तो और खुशी मिलती है पानी में रहने के बाद, लेकिन यार पानी तहर गया था हर जगह। तो फिर रात आकर मैंने वहां से वो ईंट हटाई, तब जाकर सारा पानी निकला। बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, एलेक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कर क्या रहा है, अबे कहाँ है इसका चेहरा? अच्छा ये घूमता फिर रहा है मेरे कंधे पे। एलेक्स को यहाँ पर बिठाने का ना एक नुकसान भी है, ये कभी कभार गुस्से में अगर काट भी लेता कान पर, भाई इससे देखो डर लगता है मुझे। तो आज हमारे बाबा जी की गाय आने वाली है, जहां तक मुझे लगता है आज या फिर कल बाबा जी एक नई वाली गाय लेने वाली है। भाई एक बात बताओ, तुम्हें इन अंडों में से बच्चे निकालने हैं या नहीं निकालने हैं? इतने दिन हो गए यार, कम से कम 15 दिन तो हो ही चुके हैं, पता नहीं अंडों में से बच्चे निकलने का नाम नहीं लेते, बस मुझे ऐसे चोंच मार दे रहे हो, बस बच्चे नहीं निकालना। और ये सारे के सारे यहाँ पर बैठे हैं, भाई तुम भी तो यार अंडे बच्चे दो, इसका ही काम है क्या बस बच्चे देने का? इसका और बेचारी इसका, ये दोनों ही बेचारे अंडे बच्चे देते रहते हैं और उनमें से बच्चे निकाल देते हैं, और कोई सा भी ना अंडे देता है, अंडे देते भी तो यहाँ दे देते हैं, ना अपने घर में देते हैं, इनके घर खोल देते हैं। इनमें जाया करो यार, इनके अंदर जाकर बच्चे बच्चे दो। और यहाँ पर अब खतरा हो चुका है बिल्ली के आने का, क्योंकि जहाँ पर डॉग्स होते हैं बिल्ली वहां पर आती नहीं है। अब हमारे कैनल पर बेचारे पपीज हैं, इनसे बिल्ली क्या ही डरेगी, अब डरती होगी मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हम अपनी बेल्जियम मेलनोइस को यहाँ पर लेकर आ जाएं। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने उसका नाम क्यों नहीं बताया, एक काम करते हैं जिस दिन मैं उसको यहाँ पर लेकर आऊंगा ना उसी दिन मैं उसका नाम वगैरह सब कुछ बता दूंगा, उसकी एज वगैरह हाइट वाइट सब कुछ बता दूंगा। तो अभी तो मुझे खतरा बस ये लग रहा है कि यहाँ पर बिल्ली ना आ जाए जब तक हम अपनी बेल्जियम मेलनोइस को यहाँ पर लेकर नहीं आते, क्योंकि डक्स भी देखो हमारी बाहर ही घूमती रहती है, और तो वैसे किसी भी हमारे परिंदे का मुझे डर है नहीं, बस डक्स का ही डर है। चलो जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि अपनी बेल्जियम को यहाँ पर लेकर आ जाएं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अभिनव हून, ओवर एंड आउट।